हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं मेडिकल एजुकेशन बाय उमर। मैं उमर, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में इस टॉपिक पर हम बात करेंगे न्यूमोनिया के बारे में। न्यूमोनिया क्या होता है, इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे, इसके होने के कारण के बारे में हम बात करेंगे, और सबसे मोस्ट कॉमनली इसके टाइप्स के बारे में हम आज बात करेंगे कि इसके कौन कौन से टाइप होते हैं न्यूमोनिया के। तो चलिए शुरू करते हैं हम इसकी डेफिनेशन के साथ, फिर वापस इसी डायग्राम में हम आएंगे। तो चलिए देखते हैं इसकी डेफिनेशन। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारे सामने है न्यूमोनिया की डेफिनेशन। न्यूमोनिया की डेफिनेशन हम देख लेते हैं। न्यूमोनिया इज़ द इन्फ्लामेशन ऑफ लंग्स पेरेन्काइमा एसोसिएटेड विद द इंटरस्टिशियल एंड एल्वोलियर फ्लूइड एक्यूमुलेशन। तो ये है इसकी डेफिनेशन। इसका मतलब है कि न्यूमोनिया की एक परत होती है पेरेन्काइमा, जिसमें हो जाता है संक्रमण या बोल सकते हैं उससे इन्फेक्शन, जिसके कारण क्या होता है हमारे लंग्स में इंटरस्टिशियल और एल्वोलाई में संक्रमित फ्लूइड जमा हो जाता है, जिसके कारण हमारे फेफड़े काम करना कम कर देते हैं। इस कंडीशन को बोलते हैं हम निमोनिया। हमें आपका डायग्राम में दिखा रहा हूँ कैसे होता है ये। तो दोस्तों, इस जगह पर होती है हमारे लंग्स या एल्वोलाई, ठीक ना। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, ये हमारी एल्वोलाई है जो दिखाई दे रही है गोल गोल अंगूर के दानों के समान। इसके अंदर हो चुका है जमा फ्लूइड, इन्फेक्टेड फ्लूइड जिसे आप कह सकते हैं। इन्फेक्टेड फ्लूइड जमा होने के कारण क्या होता है, जो हमारी ऑक्सीजन होती है जिसको हम लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो ऑक्सीजन जो हम लेते हैं इसके अंदर, वो इसके अंदर पूरी तरीके से समाहित नहीं हो पाती या भर नहीं पाती, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी क्या फ्लूइड भरा हो जाता है। तो इसके कारण क्या होता है, हमारे लंग्स की कैपेसिटी कम हो जाती है तथा जिसके कारण हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं निमोनिया। तो हम जानते हैं कि ये निमोनिया जो होता है किस वजह से होता है। तो हम जानें इसके कॉजेज़ के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर हम आ गए हैं निमोनिया के कॉजेज़ के बारे में बात करने। तो सबसे पहले कॉजेज़ होते हैं इसके न्यूमोकोकस निमोनिया, या आप किससे कह सकते हैं डिप्लोकोकस निमोनिया। तो ये जो होता है, ये मेन कारण होता है निमोनिया होने का, ये बैक्टीरिया मेन कारण होता है निमोनिया होने का, न्यूमोकोकस या डिप्लोकोकस आप इसे कह सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा स्ट्रेप्टोकोकाई, ये भी निमोनिया होने का एक कारण होता है, एक बैक्टीरिया होता है जिसके कारण के निमोनिया होता है। फिर उसके बाद अगला आता है स्ट्रेप्टोकोकस ओरियक्स, ये स्ट्रेप्टोकोकस की प्रजाति होती है या बैक्टीरिया की प्रजाति होती है, इसको बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस ओरियस, ये भी निमोनिया होने का एक महत्वपूर्ण कारण होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे कारण होते हैं जिनके कारण निमोनिया होता है, बहुत सारे बैक्टीरिया, कवक या फंगस आप उसे, या वायरस आप उसे कह सकते हैं। फंगस जैसे कैंडिडा हो गया, वायरस आप ले लो CMV, या एडिनो वायरस हो गया, इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया, बहुत सारे वायरस बैक्टीरिया होते हैं जिनके कारण के निमोनिया होता है। अब हम जानते हैं इसके टाइप्स के बारे में या इसके प्रकार के बारे में कि कैसे कैसे निमोनिया में प्रभावित करता है। तो चलिए इसके टाइप्स के बारे में हम चलते हैं। तो यहाँ दोस्तों, हमने आपको बताया है निमोनिया के टाइप्स। तो चार प्रकार के निमोनिया के टाइप्स होते हैं, ये कि क्या क्या नाम होते हैं इनके देख लेते हैं हम। पहला टाइप होता है इसका ब्रोंको निमोनिया, दूसरा होता है लेबुलर निमोनिया, तीसरा होता है लेबुला निमोनिया, दूसरा होता है लेबुलर, और तीसरा होता है लोब्यूला, और चौथा होता है पेची निमोनिया। ये तो चार प्रकार होते हैं निमोनिया होने के, या चार टाइप्स होते हैं निमोनिया होने के, जो कि लंग्स के अंदर ही प्रभावित होते हैं। अब ये लंग्स को किस पार्ट को ये प्रभावित करते हैं, चारों पार्ट, ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने यहाँ पर है ब्रोंको निमोनिया। ब्रोंको निमोनिया कि आप जैसे कि स्क्रीन में देख सकते हैं इसका डायग्राम, जो लंग्स है, ये निमोनिया हमारा जो होता है इसमें जो एल्वोलाई होती है, जो आपको दिखाई दे रही होगी यहाँ पर गोल गोल अंगूर के गुच्छों के समान, जो हमारी एल्वोलाई आपको दिखाई दे रही होगी, इसके अंदर क्या होता है, इन्फेक्टेड फ्लूइड जमा होता है ओनली, इसको हम बोलते हैं ब्रोंको निमोनिया। जो एल्वोलाई है ये उसको इसको अफेक्ट करेगा, ये वाला पार्ट, ये वाला प्रकार हमारे लंग्स की एल्वोलाई को, उसको बोलते हैं ब्रोंको निमोनिया। दूसरा प्रकार हमारा होता है यहाँ पर लोब्यूलर निमोनिया। लोब्यूलर निमोनिया से आप इसका डायग्राम यहाँ देख सकते हैं, ये इसका डायग्राम है। इस टाइप में होता ये है कि लंग्स का कोई भाग या लंग्स के किसी लोब का कोई भाग अफेक्टेड होता है, यानी कि ये हमारा लंग्स है, इसका कोई पार्ट, छोटा सा पार्ट कह सकते हैं हम उसे, या छोटा सा भाग कह सकते हैं, या लोब कह सकते हैं। तो छोटा सा लोब इसमें जो है प्रभावित होगा, इन्फेक्टेड हो जाएगा इसके अंदर, तो इस कंडीशन को हम बोल लेंगे लोब्यूलर निमोनिया। तो अब आ गए हैं हम हमारे लंग्स के निमोनिया के तीसरे टाइप की तरफ, जिसको हम बोलते हैं लोब्यूला निमोनिया। इस निमोनिया के अंदर होता यह है कि इस निमोनिया में लंग्स का कोई भी पूरा लोब प्रभावित होएगा, यानी कि पूरा का पूरा लोब इसमें प्रभावित हो जाएगा। उसमें तो आधा लोब प्रभावित हो रहा था, या लोब का कुछ भाग प्रभावित हो रहा था सेकंड वाली कंडीशन में, लेकिन तीसरी वाली कंडीशन में, लोब्यूला वाली कंडीशन में होएगा ये कि पूरा का पूरा जो भाग है लोब का
वो प्रभावित होएगा। लोबुलर में हमने पढ़ा था कि उसमें तो कोई एक छोटा सा लोब प्रभावित होता है या कोई छोटा सा हिस्सा प्रभावित होता है, लेकिन इसमें जो है संपूर्ण पूरा का पूरा लोब प्रभावित होगा इस कंडीशन में, इसको बोलते हैं हम लोबुलर निमोनिया। तो चलते हैं हमारे चौथे पार्ट की तरफ। तो दोस्तों ये हमारा चौथा टाइप पेची निमोनिया। इस निमोनिया की इस कंडीशन में काफ़ी अलग तरीके का काम होता है कि जिस इसके अंदर होता है क्या है, जो हमारे लंग्स होते हैं इसके होते हैं लोब कई सारे, या दो तीन लोब होते हैं इसमें एक लंग्स के। तो क्या होता है जो अलग अलग लोब्स होते हैं इनके अंदर होता है कि अलग अलग पार्ट का थोड़ा थोड़ा हिस्सा प्रभावित होगा, थोड़ा यहाँ से प्रभावित हो जाएगा, थोड़ा यहाँ से प्रभावित हो जाएगा, थोड़ा यहाँ से प्रभावित हो जाएगा, थोड़ा इधर से, ऐसा करके कई पूरे कई लोब्स का कुछ कुछ भाग जो है इसमें अफेक्टेड होता है पेची निमोनिया के अंदर। यानी कि पूरा एक लोब प्रभावित नहीं होगा पूरा का पूरा, या फिर आप कह सकते हैं पूरा एक लंग्स प्रभावित नहीं होगा। इसके अंदर लंग्स के लोब के कुछ कुछ भाग प्रभावित होंगे और कई जगह से ये प्रभावित हो सकते हैं, एक निश्चित जगह नहीं होती इनकी प्रभावित होने की। तो इस प्रकार के निमोनिया को हम कहते हैं पेची निमोनिया, जिसके अंतर क्या होता है लंग्स में लोब का कुछ भाग प्रभावित होता है, यानी कि सभी लंग्स का कुछ कुछ भाग इसमें प्रभावित होगा। तो ये थे हमारे चार प्रकार निमोनिया के, चार प्रकार थे ये हमारे, आई होप आपको ये समझ में आए हों। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने पढ़ा डेफिनेशन, उसके कोर्सेस और इसके टाइप्स के बारे में हम थोड़ी बहुत जानकारी ली। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो या पसंद आई हो या फिर आपको कुछ समझ में आया हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। और आपका जो भी क्वेश्चन हो या फिर आपको कुछ पूछना हो तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए, या फिर हमसे कोई गलती होगी हो तो वो भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, या फिर आपका कोई डाउट हो तो वो भी आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।